मैच होना था, इतने सारे भारतीयों की उम्मीद और लगातार अच्छा प्रदर्शन आपने किया, क्या किसी खास बैट्समैन को टारगेट करने की वो टीम क्या सोच रहे थे? नहीं यार, एक रात पहले ऐसा कुछ माइंड में नहीं था, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा था, स्किल अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। हाँ, जब बड़ा मैच होता है तो हमेशा कहीं ना कहीं हम सोचे नहीं, लेकिन प्रेशर रहता है हमेशा, कहीं ना कहीं माइंड वहाँ पे वर्क करता रहता है। आप चाहें कि हम चिल हो जाएं तो वो होता नहीं है, क्योंकि जब तक ख़त्म ना हो जाए टूर्नामेंट, जब तक हम शांत बैठते नहीं है, तो ज़रूर थोड़ा कहीं ना कहीं रहता है, मानते नहीं प्रेशर, वो बात अलग है। एक मुद्दा बहुत उठाता है कि पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडियन बॉलर्स को जो बॉल अजीब नई तरीके दी जा रही है, तो उनकी मानसिकता के बारे में क्या कहना पाकिस्तानी? ओ भाई, ये नहीं बोल सकते, क्या ही बोले इस बारे में, क्योंकि आपको सबको पता है, हमें पता है, इवन उन लोगों के प्लेयर्स ने भी जो सीनियर्स हैं, जो लेजेंड हैं, जिनको दुनिया मानती है, उन्होंने भी उनको एक्सप्लेन किया है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता, तो इसमें हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोची वैसी है। शोएब भाई, एक सवाल और, क्या आपके हिसाब से क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? क्या रोहित शर्मा की वो कैच या विराट का वो आउट होना अचानक बैट से बॉल लग के, क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? या फिर जो अंपायर्स कॉल एक हुआ था, ट्रेविस हेड और लाबुशानी की जोड़ी वहाँ टूट जाती है अंपायर्स कॉल का मतलब? देखिए, एक ही चीज़ थी, क्योंकि रन हमारे पास उतने ज़्यादा नहीं थे कि हम, अगर काश हमारे पास 300 रन होते तो हम इजीली डिफेंड कर पाते, लेकिन एक चीज़ पे ब्लेम करके मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा रहता है, क्योंकि ओवरऑल टीम को देखा जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है एज ए यूनिट वर्क करना और एज ए ग्रुप वर्क करना, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, शायद थोड़े से रन कम थे। क्या जमीन भाई, आपकी यहाँ जो अब यूथ है, आपका कल आप आए, कुछ बच्चे आपसे मिलने पहुँचे, कुछ यूथ से बात हुई आपकी? अभी थोड़ा सा टाइम दूंगा उनको भी, और जहाँ पे स्टेडियम का अनाउंस हुआ है वहाँ पे भी जाकर देखूंगा, अगर कुछ मेरे लायक सेवा होगी तो मैं जरूर। एक ही मैसेज दूंगा कि जो आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको पहचानें, मेहनत करें, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो आप लोगों को भी पता है कि कैसी फैसिलिटीज़ थी या यहाँ पे क्या था, बहुत स्ट्रगल करने के बाद यहाँ से ये अचीव किया है। अब अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो बस आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, तो यही कहूँगा कि आप फोकस करें और हार्डवर्क करते रहें। टीम का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल में हमारी टीम इंडिया कहीं दिखी नहीं, बैटिंग फील्डिंग में भी थोड़ी सी हमारे लूज पॉइंट्स रहे, तो क्या कारण था? क्या बड़े मैच का दबाव था या कुछ और बात रही, या VIP का जो मोमेंट था, क्या वो भी एक प्रेशर था? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था, हम कभी ये सोचते नहीं मोमेंट किसका है या फिर क्या होता है, और ज़्यादा ओवर थिंक हम करते नहीं हैं मैच के मैच को लेकर, क्योंकि जो प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट 10 मैच में किया था, सेम प्रोसेस था, सेम एटीट्यूड था, सेम स्किल एग्जीक्यूट करने देख रहे थे, सेम प्लानिंग के साथ जा रहे थे। मैं फिर से वही कहूँगा कि एक बैड डे हो सकता है, और वो शायद हमारा फाइनल पहले चार मैच में बाहर रहे आप टीम से, तब क्या दिमाग में चल रहा था, क्या हो गया? यार, मेरी अप्रोच एक ही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसी चीज़ है, क्योंकि आपके जो 15 हैं, मेरे साथ अश्विन भी बाहर थे, तो अगर 600-700 विकेट लेके बेंच पे बैठा तो टीम की क्या कैपेसिटी होगी, आपको आइडिया लग जाता है। तो वहाँ पे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये हमारा बंदा क्या करेगा, क्या नहीं कर रहा, ये खेल रहा है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, कभी आज तक वैसे मन में आया नहीं है ये सवाल। मैं हमेशा यही चाहता हूँ, अगर मैं बैठा हूँ और कोई 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो वो अच्छा ही करके आएँ, टीम के लिए बेटर करके आएँ, टीम को जिता कर लाएँ, वो हमारा मेन गोल रहता है। क्या पिच की कमी मानी जाए इसको? दोबारा पूछो, क्या कारण स्कोर जो कम रहा, स्कोर रन का कम रहा है, या पिच की कमी मानी जाए इसमें, या फिर जो प्रदर्शन करना था, जैसे आस और उम्मीद तमाम आवाम को आप लोगों पर लगी थी, तो उसके लिए क्या संकेत हैं आपकी तरफ से? देखिए, बहुत सारी चीज़ें काउंटर, टेक्निकली अगर आप देखना चाहें तो डे नाइट मैच में हमेशा बैटिंग शाम को अच्छी होती है, पिच स्लो हो जाती है, वो सब चीज़ें काउंट तो आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो टेक्निकल है। तो अगर सामने वाली टीम जीतती है टॉस और वो बैटिंग को हमें इनवाइट करती है तो हमें बैटिंग करनी ही होगी, तो वो एक हो सकता है कि हाँ, वो उन लोगों को एक बेनिफिट है। सेकंड की रन आपने देखा ही है कि 240 रन फाइनल में एक ऐसी टीम के अगेंस्ट, मेरे हिसाब से 30-40 रन और बनते तो मैच में और ज़्यादा मज़ा आता, हो सकता है रिजल्ट हमारे फेवर में होता। तो क्या पहले खेलना जो है वो हार की बड़ी वजह है? यार, वो हमारे हाथ में नहीं था, क्योंकि हम टॉस जीते नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला अगर बॉलिंग करना चाहता है तो वो टीम जो आप भाई, एक फोटो वायरल हो रहा है, वो एक वर्ल्ड कप पे पैर रखे हुए हैं। यार, मुझे ये चीज़ बहुत, मुझे भी हर्ट हुई है, क्योंकि जिस ट्रॉफी के लिए कंट्री की सारी टीमें लड़ती हैं, जो अचीवमेंट कर आप पाना चाहते हैं, जो ट्रॉफी आप अपने हाथों में सर के ऊपर उठाना चाहते हैं, वो ट्रॉफी पैर पर लगाना, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए।
भाई।